बम भोले हम बम भोले ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जी जय फाय श्री तू त्र्यंबकेश्वर जाय हर हर महादेव। अब हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों शिरडी से त्र्यंबकेश्वर की ओर, और ये देखे शिरडी से त्र्यंबकेश्वर नासिक हाईवे, बहुत ही खूबसूरत हाईवे दोस्तों। और हमारे महेश भाई बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि हमको शाम तक त्र्यंबकेश्वर तक पहुंचना है। सो पूरा वीडियो एंड तक बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में जिसमें हम लोग आए शिरडी से नासिक और नासिक से त्र्यंबकेश्वर। आज का ये व्लॉग त्र्यंबकेश्वर की यात्रा जो कि श्रावण मास चल रहा है, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने मिलने वाला है दोस्तों। श्रावण महीने में त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना मतलब एक अलग ही अनुभव है दोस्तों। तो चलिए इस पूरा वीडियो में आपको त्र्यंबकेश्वर दिखाऊंगा मैं दोस्तों, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में हम लोगों ने बहुत जगह रूम देखने की कोशिश की। श्री गजानन महाराज मठ, श्री स्वामी समर्थ महाराज का मठ है वहाँ पे, हम लोगों को वहाँ पे रूम नहीं मिला। सो हम लोग यहाँ पर आए ताज गेस्ट हाउस के पास, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के थोड़ा ही पास में है। यहाँ पर हम लोगों ने 1000 रुपये दे के 4 जन थे तो रूम लिया यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो हमारे साथ है दत्ता भाई ताज होटल में, जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था, यहाँ के ओनर दत्ता भाई। कैसे हो दत्ता भाई? अच्छा होना, आपकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी दत्ता भाई। अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं तो अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि त्र्यंबकेश्वर आए और ताज होटल में ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, दत्ता भाई को मुलाकात कीजिए और एक दिन आराम से त्र्यंबकेश्वर घूमिए। दोस्तों ये देखिए दत्ता भाई ताज गेस्ट हाउस का रूम एरिया, बहुत अच्छे रूम है दोस्तों यहाँ पर। अब हम लोग रूम में सोने जा रहे हैं और सुबह जल्दी उठ के महादेव के दर्शन के लिए जाना है। सो अब हम लोग सो के तुरंत उठ रहे हैं दोस्तों। 3 बजे उठने के बाद हमारी चप्पल ने सब कुछ हम लोगों ने गेस्ट हाउस में रख के हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। और दोस्तों मंदिर की ओर 3 बजे से बहुत ही लंबी लाइन थी और 5:30 बजे मंदिर ओपन होता है। ये देखिए मेरे पीछे, आप देखिए कि बहुत लंबी लाइन है, आगे भी लाइन है, पीछे भी लाइन है, फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं और लाइन में महादेव का नाम लेते लेते हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी दोस्तों 5:30 बजे मंदिर ओपन होता है और ऊपर से बारिश भी धुआंधार बारिश चल रही है, जोरदार बारिश चल रही है, जिसमें श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, ये है मुख्य द्वार महादेव मंदिर की ओर जाने के लिए। और 5:30 बजे हमारा जो मुख्य द्वार है मंदिर का एंट्री गेट, यहाँ से ओपन होने के बाद हम लोग महादेव का नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत लंबी लाइन होने की वजह से और बारिश होने की वजह से थोड़ी तकलीफ़ हो गई, बट महादेव ने सभी परेशानियों का सामना करते हुए हमें शक्ति दी दोस्तों। और ये है महादेव का त्रिशूल त्र्यंबकेश्वर का, जो कि आप देखिए दोस्तों बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। और हम लोग भगवान का नाम लेते लेते अब आगे बढ़ रहे लाइन में। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और ओम नमः शिवाय का नाम जप करते हुए हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में बहुत ज़्यादा भक्त होने की वजह से लाइन है दोस्तों, देख सकते हो आप सब। सुबह सुबह 5:30 बजे से लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं अभी मंदिर की ओर हम लोग फटाफट जाते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि मंदिर कैसा है, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।
भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम लोग धीरे धीरे लाइन में आगे की और बढ़ रहे। मंदिर की और दर्शन के लिए बहुत उत्साह है हमारे अंदर दोस्तों महादेव के प्रति, तो हम लोग फटाफट मंदिर के पास भी पहुंच गए दोस्तों लाइन में। ये देखिए छोटी सी नंदी की मूर्त है अंदर मंदिर के, बहुत बड़ी मूर्त है नंदी भगवान की। ये देखिए महादेव के वाहन नंदी भगवान, और ये दृश्य देखिए त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। एकदम ठंडा माहौल है, बहुत सारी पब्लिक है, बट सबका दर्शन अच्छे से हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखिए दोस्तों, ये है मंदिर त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर मंदिर के अंदर गर्भगृह में श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जो जटपिंड है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं साक्षात यहाँ पर। और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है दोस्तों, सब ब्राह्मण महाराज यहाँ पर पूजा करते, बड़ी बड़ी जो विधि होती है यहाँ पर करते हैं ब्राह्मण। आप देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत सीन है, और मेरा मन तो बहुत ही प्रफुल्लित हो गया यहाँ पर आने के बाद। और भगवान का जो मंत्र गा रहे हैं महाराज, तो उससे तो अद्भुत जो अनुभव होता है वो है दोस्तों मंदिर के अंदर। और ये देखिए श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पिंड है वो यहाँ पर देखने मिलती है दोस्तों। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये त्र्यंबकेश्वर का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। क्या खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर घूमते घूमते मुझे मेरे मामा मिल गए, आज का व्लॉग तो सक्सेस होगा। क्या बोलते मामा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, यही बोले। जय बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फाइनली त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हो गए दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के आजू बाजू का जो परिसर है दोस्तों बहुत ही अद्भुत है। सब नैसर्गिक दृश्य है, नेचुरल ब्यूटी देखने मिल रही है यहाँ पर। ऊपर से बारिश चल रहा है, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, बट महादेव का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ दोस्तों। महादेव के दर्शन होने के बाद हम लोग कुशावर्त तीर्थ के और आए हैं। ये देखिए कुशावर्त तीर्थ जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं, जल अर्पण करते हैं। और ये देखिए कुशावर्त तीर्थ कितना खूबसूरत है दोस्तों, वाव। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं महादेव का। ये देखिए मेरे दोस्त और यहाँ पर मैं जो कि दर्शन कर रहा हूँ कुशावर्त तीर्थ का, बहुत अच्छा फील हुआ दोस्तों यहाँ पर मुझे। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, दृश्य बहुत अच्छा है। और मंदिर के पीछे की ओर ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो कि हम इस बार नहीं जा सके ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर के पीछे का भी नज़ारा बहुत ही औजम है, मुझे तो बहुत खूबसूरत सीन लगा दोस्तों। ओम नमः शिवाय। सो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।